ഇതോടുത്തോണ്ട് चलिए मैं कहीं और चलती हूँ। क्रम्बलिंग इतने दिनों बाद क्रम्बलिंग कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ना टेंशनें कम हो रही हैं, दुख निकल रहा है अंदर से, स्ट्रेस कम हो रहा है। असल में ऐसे मौक़ों पर बाज लोग ऐसा होता है कि जो जो हासिद लोग होते हैं ना, वो तब भी हमारी जान नहीं छोड़ते। ऐसे मौक़ों पर भी ना ऐसे दुख देते हैं कि जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर होते हैं। बस कहते हैं कि अल्लाह ताला ज़हनी सुकून दे, ज़हनी सुकून। ये दुनिया फानी है, सब ने एक दिन चले जाना। चीज़ें सब चीज़ यहीं रह जानी है। जाने तो इंसान के नेक अमाल। पिछले दिनों बारिशें आती रही हैं, मेरी छत ऐसे हिल पड़ी रही है बेचारी, इसलिए इसके टेक्सचर कुछ हार्ड हुए होंगे, कुछ सॉफ्ट हुए होंगे। मैंने कोई परवाह नहीं की, ऐसी खुली पड़ी हुई थी छत। हाय हाय, ये गाची इसको चेक करती है, ये फिर से चाहे हार्ड हो गई है। ये भी बारिश में बहुत भीगी है। सब आप सबने दुआ करनी है, कहते जाने वालों के लिए जो दुआएं होती हैं ना, बहुत ज़रूरी होती हैं। देखें, ये भी उस दिन इस टप में डाला हुआ था, मतलब टेक्सचर वो उधर टप में, वो वाली वीडियो जो टेक्सचर नज़र आ रहा है ना आपको, वो सामने, वो मैंने सोचा था वो ठा वीडियो बनाएंगे उस दिन, तो इसलिए शोर भी इतना हो गया। चलो थोड़ी देर करती हूँ क्रम्बलिंग। मैंने सोचा था वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लाइट चली गई है तो गली में बच्चे निकल आए बाहर। सबका शुक्रिया, आप लोगों ने पूछा मुझे।
मैंने सोचा था ब्लॉग ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, सिर्फ वीडियो बना के आ जाया करूंगी, लेकिन जब आप लोगों की इतनी भरपूर थे ना कि लोग कहाँ हैं आप, प्लीज़ आ जाए, आप लोग कह रहे थे हम उदास हैं आ जाएं, किधर हैं आप, इतने मैसेज मैंने देखे, इतने कमेंट देखे, तो मैंने कहा नहीं ये तो नाइंसाफ़ी है कि आप लोग इतना पूछ रहे हो और मैं अपना दुख लेके बैठी हूँ। ये दुख बहुत बड़ा होता है, लेकिन ज़िंदगी कैसे ना, ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, काम करने पड़ते हैं। ये मेरा एक काम ही है, यही संभल है, इसकी वजह से आप मेरे साथ जुड़े हो। अगर ज़िंदगी ऐसी रूटीन से चलने लग गई तो इंशाल्लाह मैं फिर ब्लॉगिंग तो देखूंगी, लेकिन वीडियो आती रहेंगी आपके साथ। आज मैं ऊपर आई हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे वाकई वीडियो बनानी चाहिए, ग्रम्बलिंग करनी चाहिए।
ऐसा लगता जैसे क्रम्बलिंग ही भूल गई, सही क्रम्बलिंग ही नहीं हो रही। चलो मैं कहीं और चलती हूँ, ये चारकोल की मेरी हालत देख लें, बिल्ली ने इसको क्या किया और इस पता नहीं कितना बचा होना है अंदर, टेक्सचर कितना नहीं बचा होना है। ठीक, ये मैं थम, ये इसका थम में ले लेती हूँ, इस टाइम ज़रा अच्छा होता है। तो इस ये ग्रीटी रेड है, इस मुझे तो मगरी पिसाने होने लगी हैं।
चलेंगे थोड़ा ग्रीटी टेक्सचर फटाफट तोड़ के, तो मैं जाना चाहती हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। और सबने मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करी, दुआ करनी है उनके साले सवाब के लिए। तो छोटे बच्चे शहीद हुए उनके लिए भी करनी, बड़ों के लिए भी। अल्लाह सबकी मगफरत फरमाए। और भाई जान को भी अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। अब सब बस फातिहा पढ़ के उनके लिए साले सवाब करें। ओके, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।